अध्यक्ष आदरणीय रामसेवक पैंकरा जी, पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी, सूरजपुर जिला के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी पूर्व विधायक, श्री भीमसेन अग्रवाल जी, अजय गोयल जी, रामकृपाल साहू जी, राजेश महलवाला जी, सत्यनारायण जी, थलेश्वर साहू जी, बनारसी जायसवाल जी, और जिस समाज का ये महासम्मेलन हो रहा है उसके अध्यक्ष भुवाल सिंह जी, डॉक्टर हेमंत भोई जी, फणीन्द्र भोई जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, बहुतों का नाम जानता हूं लेकिन एक समय की मर्यादा है और आज के इस महासम्मेलन में विंध्या समाज के और इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहने, युवा साथियों, हमारे सरगुजा के कमिश्नर आईजी, सूरजपुर के कलेक्टर एसपी, सभी अधिकारीगण और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले मैं विंध्या समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमें यहां पर बुलाया और जो लंबा स्वागत हुआ समाज के लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का आभारी हूं। आप लोगों ने भारी आत्मीयता के साथ स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आप लोगों के बीच में हमारा ये पहला आगमन है, इसलिए मैं भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर में कुल 30 करोड़ के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, 30 कामों का, तो इसके लिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज विंध्या समाज के महासम्मेलन में है, सबको मालूम है ये जो 12 जाति के जो लोग थे, जो वर्षों से आदिवासी की सुविधा से वंचित थे, उनका विकास नहीं हो रहा था और लगातार वो प्रयास कर रहे थे, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यहां पर विराजमान हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, उनका काफी प्रयास था, हम केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में थे तो बराबर वो दिल्ली जाते थे और दिल्ली में हम लोग प्रयास करते थे, और इस प्रयास में हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी ये बाद तक दिल्ली आते जाते रहे, प्रयास करते रहे, और इसका परिणाम हुआ कि भारत की संसद में ये पास हुआ और आज 12 जाति के लाखों लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हुए हैं, आज विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि डॉक्टर साहब ने जब अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हुए थे तब भी ये व्यवस्था दिए थे कि जब तक अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक कम से कम शिक्षा में समाज के बच्चों को लाभ मिले, उनको अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है उसमें शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन मिले, छात्रावास में एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप मिले, इसकी व्यवस्था आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने 12 जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं।
मैं सरगुजा संभाग वालों को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरे सरगुजा संभाग से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए। 14 में से 14 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने परिश्रम करके दिलवाए, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज महत्व भी दिया है हमारे सरगुजा संभाग को, मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग के और तीन तीन मंत्री सरगुजा संभाग से, इसके लिए भी आप नरेंद्र मोदी जी का तालियों से स्वागत करें। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए करीब 25-26 दिन हुए हैं, लेकिन 25-26 दिन में ही कई बड़े बड़े काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, आप सब लोगों को भी मालूम है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 18 लाख गरीब लोग जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका हक छीना गया, तो उनका आवास स्वीकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे मोदी जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से आश्वस्त किए थे और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को अवगत कराते हुए ये गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान प्रधानमंत्री आवास में बनवाएंगे। 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलवाकर अनुपूरक बजट पास किए हैं, उसमें जो राज्यांश की व्यवस्था हो चुकी है और लगातार हम लोग भारत सरकार के संपर्क में हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के अंदर 18 लाख लोगों का पक्का का मकान बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा वादा था कि 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है रहता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, तो उस दिन 2 साल का किसानों का बोनस जो अब हमारी सरकार थी 15 साल उस समय दे नहीं पाए थे उसको देंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 2 साल का बोनस नहीं दिया उसको देंगे, लेकिन 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के अंदर अनेकों जगह कार्यक्रम करके छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाता में कुल 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बोनस सीधे उनके अकाउंट में चंद सेकंड में ट्रांसफर करने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। मैं जानकारी ले रहा था यहां के हमारे सूरजपुर के कलेक्टर से कि सूरजपुर में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं, तो यहां वर्ष 14-15 में कुल 18,280 किसानों को 34 करोड़ 12 लाख रुपया बोनस के रूप में मिला है और 15-16 में 16,160 किसानों को 30 करोड़ 65 लाख रुपया बोनस के रूप में मिला है। और आप सबको मालूम है कि ये 25 दिन के अंदर में एक हम लोग और बड़ा काम किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि पीएससी में जो घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर में, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ यहां की सरकार ने किया पीएससी में, तो उस घोटाले की जांच उच्च स्तरीय कराएंगे
और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि अब पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई को हमारी सरकार ने जांच के लिए सौंपा है। अब जो भी दोषीदार होंगे वो बचेंगे नहीं, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश हो चुका है और 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो भी रही है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने का भी हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का वादा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी एमएसपी मिल रहा है, लेकिन अंतर की जो राशि है वो भी एकमुश्त हमारी सरकार देगी। थोड़ा सा धैर्य धरने की आवश्यकता है। एकमुश्त जो अंतर की राशि है 917 रुपया 900 के आसपास प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि होगी उसको भी एकमुश्त हमारी सरकार देगी। और विवाहित जो माताएं हैं उनके लिए भी महतारी बंधन योजना में वादा है कि उनके अकाउंट में साल में 12,000 रुपया देने का काम करेंगे। अनुपूरक बजट में हम लोग पैसे की व्यवस्था कर लिए हैं, हम लोगों के पास पैसा है और बहुत जल्दी महतारी बंधन योजना के अंदर भी हमारी विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपया के हिसाब से उनके खाता में पैसा भेजने का काम करेंगे। गरीबों को जो 500 रुपया में सिलेंडर देने का काम है, चाहे भूमिहीन मजदूर किसान है उनको प्रति साल 10,000 रुपया देने की बात है, या तेंदू पत्ता जो हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक आय का बड़ा साधन है जिसको हरा सोना बोलते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 2500 रुपया मानक बुरा देते थे, चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, बीमा राशि की व्यवस्था, साड़ी भी देते थे, चरण पादुका देते थे। लेकिन इसको कांग्रेस की सरकार ने बंद करके 4,500 तो किया लेकिन पूरे सीजन में सिर्फ 2 या 3 दिन खरीदी होती थी। हमारे बनवासी भाई तेंदुपत्ता बेच नहीं पाते थे। आज हम लोगों ने वादा किया है कि तेंदुपत्ता 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे, 15 दिन खरीदेंगे और 4,500 बोनस भी देंगे और जो भी पुरानी योजना है वो सब लागू करेंगे। तो ये सब बनवासी भाइयों के हित में होने वाला है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग का पद खाली है, उसको भी सरकार आने वाले समय में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती करेगी। ये आप सब लोगों को हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं। और जो भी मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता से, आने वाले 5 वर्षों में वो सारा मोदी की गारंटी एक एक चीज पूरा होगा, एक एक चीज पूरा करेंगे। और यहां पर आप सब लोगों ने भोलन सिंह मरावी जी को भारी मतों से जिताया है, विधायक बनाए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। हमारे विधायक जी का आग्रह है कि एक तो पीडब्ल्यूडी रोड भैयाथान से नौरा बरोल परसापारा NH 43 तक सड़क निर्माण कार्य, ये 14 करोड़ रुपया इसका लागत है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये बजट में शामिल है, आने वाले समय में इस पर काम होगा। और दूसरा इनकी मांग है देवीपुर महामाया मंदिर से पंपापुर तक रोड चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, ये 4.5 करोड़ लागत का है। तो चूंकि आज मुख्यमंत्री के नाते पहली बार प्रेमनगर विधानसभा में आए हैं और विधायक जी की मांग है तो उनकी मांग को तो रखना ही पड़ेगा, तो ये मैं 4.5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और तीसरा इनकी मांग है देवीपुर से महुआपारा मार्ग में जोगीमुड़ा नाला में पुल निर्माण कार्य,
लंबाई 60 मीटर, इसकी लागत करीब 3 करोड़ रुपया आएगी। तो मैं ये पुलिया निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपया की भी घोषणा करता हूं। यहां पर अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति की तरफ से भी बहुत सारी मांगे आई हैं और बहुत लोगों की तरफ से भी एप्लीकेशन आया है, पंचायत की तरफ से भी आया है। हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि सबको धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने में मोदी की गारंटी, उसको पूरा करना पहली प्राथमिकता है। और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने जितना आदरणीय डॉक्टर साहब 15 साल में कर्जा नहीं लिए, उससे कई गुना ज्यादा ये 5 साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा छत्तीसगढ़ के अंदर में लाद दिए हैं। लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नीति भी ठीक है और नियत भी ठीक है, इसलिए आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का यथासमय सबका समाधान होगा। लेकिन अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति का मांग है कि 50 सीटर बालिका छात्रावास होना चाहिए। बालक छात्रावास तो है लेकिन बालिका छात्रावास नहीं है। कई जगह मांग की है लेकिन एक जगह विधायक जी तय कर लेंगे या समाज वाले तय कर लेंगे, एक जगह 50 सीटर बालिका छात्रावास की घोषणा कर रहे हैं। और सामुदायिक भवन की भी मांग है कई जगह, लेकिन चूंकि आज जमदेई में एक कार्यक्रम हो रहा है महासम्मेलन का, तो इस जमदेई में सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा हम कर रहे हैं। बाकी और भी समाज की मांगे हैं, उसको यथासमय पूरा करेंगे। और ये चुटका मिल गया है कि जल्दी वापस जाना है, कह कि लेट होने से हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं है। और एक और लक्ष्मी राज औड़े जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री, उनका मांग है कि यहां मां कुदरगढ़ी का जो मंदिर है जो पहाड़ी के ऊपर में है, वहां पर रोप वे का निर्माण हो। तो रोप वे का भी हम घोषणा करते हैं और वहां का समुचित विकास भी होगा। तो अंत में आप सभी लोग दूर दूर से भारी संख्या में आए और हम लोगों का आत्मीय स्वागत किए, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, आगे भी इसी तरह का आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह हम लोगों के ऊपर बना रहेगा, इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।